प्रणाम, वेलकम स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 4। नेम इज छोटूज हाउस। अब छोटूज हाउस की जो स्टोरी है, मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर में आपको ये बता चुकी हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन और कुछ नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, उसे हम यहाँ आज समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, MCQ का पॉइंट नंबर फर्स्ट, टू विच सिटी हैज़ छोटू कम फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जो छोटू नाम का बॉयस रहता है, वो सबसे पहले कौन सी सिटी में जाता है, पहली बार वो कौन सी सिटी में जाता है? ए अहमदाबाद, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी कोलकाता। तो जो छोटू नाम का बॉयस होता है, वो सबसे पहले कहाँ रहने जाता है? अहमदाबाद में। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे? ए, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सेकेंड पॉइंट इज, वॉट डिड छोटू यूज़ टू लिव इन। अब जो छोटू रहता है, वो अहमदाबाद में रहने जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं रहते कि वो किराए का मकान ले सके, और ना ही कोई उसका रिलेटिव वहाँ पर रहता था, तो उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। जब उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, तो वो कहाँ पर रहने लगता है? ए लार्ज ट्री, ट्री के ऊपर, एक फॉर्म में, ए लार्ज सीमेंट पाइप पे, कि ऑर्फनेज में। ऑर्फनेज यानी क्या होता है? अनाथ आश्रम। तो वो कहाँ पर रहता है? उसे एक सीमेंट का बड़ा सा पाइप दिखता है, जिसके अंदर वो रहने लगता है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट यूज फॉर क्लीनिंग पर्पस। क्लीनिंग पर्पस मीन्स क्या होता है? क्लीनिंग पर्पस यानी कि साफ सफाई करना। क्लीनिंग पर्पस मीन्स क्या होता है? क्लीनिंग पर्पस मीन्स साफ सफाई करना। तो नीचे में से ऐसा क्या नहीं है? देखो यहाँ पे लिखा है नॉट यूज। नॉट यूज ऐसे कौन सी चीज़ है जो साफ सफाई के लिए यूज नहीं होती? लॉन्ग ब्रूम, ब्रूम मीन्स क्या होता है? झाड़ू, वो तो यूज होती है। ब्रूम भी यूज होती है। मॉप मीन्स क्या होता है? पोछा, जब हम पोछा लगाते हैं उसको पोछा बोलते हैं। और एक्स उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। एक्स तो लकड़ी काटने के लिए यूज़ होती है, तो वो साफ सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए यूज़ नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या आएगा? डी एक्स, जो हमने यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द यूज़ टू डेकोरेट द हाउस ड्यूरिंग दिवाली। दिवाली पर हम हमारे घर को डेकोरेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? रंगोली, पेपर, कलर्स, कर्ड, स्पोर्ट्स, क्रिसमस ट्री, स्टार, ये सब। तो इसमें से हम क्या यूज़ करते हैं? तो दिवाली पे हम क्या यूज़ करते हैं घर को सजाने के लिए? रंगोली और कलर लांटेन। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5, ऑन विच फेस्टिवल विल यूअर फ्रेंड अब्दुल डेकोरेट हिज हाउस। अभी देखो, फेस्टिवल का नाम नहीं दिया है, लेकिन जो फ्रेंड है उसका नाम यहाँ पर दिया है, अब्दुल। अब्दुल किसका नाम होता है? जो मोमेडियन लोग होते हैं, जो मोमेडियंस होते हैं, उनका नाम क्या होता है? ये अब्दुल नाम क्या है? मोमेडियंस है। तो मोमेडियंस कौन सा फेस्टिवल बनाते हैं? दिवाली नो, जन्माष्टमी नो, क्रिसमस नो, रमजान ईद। तो मोमेडियन लोग क्या बनाते हैं? रमजान ईद। तो तुम्हारा फ्रेंड जो अब्दुल है, वो अपने घर को कौन से फेस्टिवल पे डेकोरेट करेगा? तो वो अपने घर को रमजान ईद पे डेकोरेट करेगा, जो आंसर में लिखा है डी में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लिव इन यूअर हाउस अनइनवाइटेड। यानी कि हमारे घर में नीचे में से ऐसे कौन सा एनिमल है जिसको हम नहीं बुलाते तो भी वो हमारे घर पर रहने आ जाता है? कॉकरोच, पीजन, स्क्वेरल, स्नेक। तो जो कॉकरोच देखा होगा, मोस्ट ऑफ सभी के घर में होते हैं कॉकरोच। तो कॉकरोच क्या ऐसे एक एनिमल है जिसको हम इनवाइट नहीं करते, फिर भी वो ज़बरदस्ती हमारे घर में आ जाता है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए कॉकरोच। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉक इन ए स्ट्रेंथ लाइन। स्ट्रेंथ लाइन यानी क्या होता है? एकदम सीधी लाइन में। ऐसे नीचे में से कौन सा एनिमल है जो सीधी लाइन में चलता है? पिजन, नो, एंट। आपने देखा होगा जो एंट होती है ना, उसके पीछे एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, बहुत सारी एंट लाइन बनाकर स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो हमारा आंसर बी पर ही मिल गया हमको, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेथड ऑफ ईटिंग ऑफ बर्ड नॉन एज। मेथड ऑफ ईटिंग द बर्ड नॉन एज। अब जो बर्ड्स
खाती है, जैसे कि हम उनको दाने डालते हैं तो जो दाना खाती है चुगती है, उसे कौन सी मेथड कहा जाता है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? पीकिंग। जब वो दाने को उठा के अपने अंदर अपने चोंच में डालती है तो उसे क्या बोलते हैं? पीकिंग मेथड कहते हैं। तो उसे आंसर में हम क्या लिख देंगे? सी। नंबर 9, हुज आइज आर वीक बट सेंस ऑफ स्मेल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि किसकी आइस वीक है। वीक मीन्स क्या होता है? एकदम कमजोर, उसको दिखाई ठीक से नहीं देता, लेकिन स्मेल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल यानी उसकी सूंघने की पावर, जो उसकी सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा कौन सा एनिमल है? लिजर्ड, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, रेट। तो इसमें आंसर आएगा रेट, क्योंकि रेट ही एक ऐसा एनिमल है जो बहुत दूर से अपनी किसी भी चीज़ की, जो उसको ज़रूरत हो, जैसे कि फूड की ज़रूरत है, तो उसे उसकी स्मेल आ जाती है। उसकी स्मेल पावर क्या होती है? बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आई थिंक आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन MCQ अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके आगे का आप पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, FIV। फर्स्ट देखो, छोटू इन्वाइटेड हिज फ्रेंड नेम टू स्टे विथ हीम टू इन द सीमेंट पाइप। अब जो छोटू नाम का बॉयज था, इससे पहले जो मैंने आपको एक स्टोरी समझाई थी, तो उसके साथ उसका एक फ्रेंड भी सीमेंट पाइप में रहने आ गया था। तो उस फ्रेंड का नाम क्या था वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो उसका नाम था मोनू। सेकेंड पॉइंट, द एनिमल डेट क्रॉल along the walk of our house and ceiling about is known as। अब ऐसा एनिमल जो क्रॉल करता है, क्रॉल करता है यानी रेंगता है, और क्या करता है? हमारे घर की दीवारों पर और सीलिंग, सीलिंग मीन्स छत, छत पर वो क्या करता है? चलता है। तो हमारे घर की दीवारों पर और छत पर कौन सा एनिमल चलता है? लिजर्ड। लिजर्ड मीन्स छिपकली, जो छिपकली होती है वो चलती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? लिजर्ड। नंबर 3, द हाउस इज डेकोरेटेड विथ ए ब्लैंक ड्यूरिंग क्रिसमस। अब जो क्रिसमस का फेस्टिवल आता है, उस दिन हम हमारे घर को किस चीज़ से डेकोरेट करते? तो ऑब्वियसली क्रिसमस का फेस्टिवल है तो क्रिसमस ट्री से ही हम हमारे घर को डेकोरेट करेंगे। तो आंसर हमारा आ गया क्रिसमस ट्री। नंबर 4, ब्लैंक आर लाइट टेड अराउंड द हाउस ड्यूरिंग दिवाली। जब दिवाली नाम का फेस्टिवल आता है, जब दिवाली फेस्टिवल आती है या आता है, तो हम हमारे घर में किस चीज़ से लाइट करते हैं? तो अभी तो देखो हम लोग सीरीज लगाने लगे हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी अर्थ पैन लैम्प यानी कि जो दिए होते हैं, जो मिट्टी के दिए होते हैं, उससे हमारे घर में वो क्या करते हैं? उजाला करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? अर्थ पैन लैम्प। अर्थ पैन लैम्प मीन्स जो दिए होते हैं ना वो। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, हैंगिंग मेड फ्रॉम ब्लैंक लीव आर पुट ऑन द एंट्रेंसेस ऑफ हाउसेस ऑन ऑक्सीपियस ओकेशंस। मीन्स हैंगिंग मैट, हैंगिंग यानी कि टांगने के लिए, मैट यानी बनाया हुआ, यानी कि हमारे घर में, हमारे हाउस में जब कोई भी ओकेशंस रहता है, कोई भी उत्सव रहता है, फेस्टिवल रहता है या कुछ प्रोग्राम रहता है, तो हम हमारे घर पर कौन सी लीव से बना हुआ तोरण हम क्या करते हैं? टांगते हैं। तो कौन सी लीव से बना हुआ होता है? वो अशोका लीव से बना हुआ होता है। नंबर 6, द ब्लैंक टास्क इज डन रेगुलरली फॉर कीपिंग द हाउस क्लीन। कीपिंग द हाउस क्लीन मतलब हमारे घर को साफ रखने के लिए हम रोज़ क्या करते हैं? तो रोज़ हम क्या करते हैं? झाड़ू पोछा लगाते हैं। तो झाड़ू पोछा को हम क्या बोलेंगे? स्वीपिंग एंड मोपिंग। स्वीपिंग एंड मोपिंग, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 7, When blank are accreted in the yard of the house, birds come to peek at it। जब हम हमारे घर के यार्ड में, यानी यार्ड मीन्स क्या होता है? घर के सामने जो मैदान होता है ना, उसमें हम ऐसी क्या चीज़ डालते हैं जिसको लेने के लिए बर्ड्स
पिकअप, पिक करना यानी कि खाने के लिए या उसे लेने के लिए बर्ड्स हमारे यार्ड में आते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम हमारे यार्ड में क्या डालेंगे, ग्रेन, किसी भी प्रकार के सीड ग्रेन वो डालेंगे, तो वो उसको बर्ड्स, पिजन, स्पैरो क्या करते हैं, पिकअप करने आते हैं, उसे खाने आते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ग्रेन। ग्रेन मीन्स अनाज, किसी भी प्रकार के अनाज जैसे कि बाजरी, गेहूँ, मकाई, ये सब। तो हमारा आंसर आ गया ग्रेन। आई थिंक आपको ये सारा के सारा एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय, प्रणाम।